नाजीर हसन मुरादाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हेलो। जी बोलिए। किडनी का पेशेंट हूँ, मैं कुछ मशवरा लेना चाहता हूँ डॉक्टर हकीम साहब को। जी जी फरमाइए, क्या कहा है डॉक्टर ने, क्या बताया? मेरे डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार। क्या एज है? डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार मेरा। आपकी एज क्या है और कितना क्रिएटिनिन, आपकी किडनी की गंदगी जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, कितना हो जाता है? हो जाता है 12। हाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा बहुत ज़्यादा है। देखिए और बहुत अपनी फिक्र करिए, हफ्ते में, 2 हफ्ते में अगर एक बार हो तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा फिक्र की बात नहीं। एक हफ्ते में 3 बार वाले लोगों को बहुत खबरदार रहना चाहिए, और एक दवा भी है क्रिएटिनिन कम करने के लिए और एक नुस्खा भी है। देखिए नुस्खा ये है कि गौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना, आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लिया करें। और इस मुतालिक एक दवा भी बता दें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ 1 पॉइंट होनी चाहिए वो 12 पॉइंट है। कैप्सूल पी केयर भी ले सकते हैं, कैप्सूल पी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल लें और फिर नज़र रखें कि पहले कितना हो जाता था और अब कितना कम हो रहा है। आपको हमेशा नज़र रखनी पड़ेगी और आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए आपको राहत ज़रूर मिलेगी, बस आपको अपने लिए जागरूक होना है, अपने आप को आपको समझना है। आज से ही नुस्खे अपनाना शुरू कर दीजिएगा और दो जो यहाँ पे दवाई आपको अभी हकीम साहब ने बताई है वो जल्द से जल्द आप ले लीजिएगा। बस आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। बात करें अतिया हर्ब्स की दर्शक को, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके प्रमोटर फाउंडर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी। और अपनी हर एक समस्या का समाधान जानना है, कोई भी रोग अगर आपको लगता है लाइलाज हो चुका है तो एक बार हमसे जुड़िए, हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सौरभ स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब, बताइए। हाँ हकीम साहब। जी जी फरमाइए। हाँ सर, मेरे को बीपी अस्थिर है मेरी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। बीपी आपकी हाई है? कभी हाई होती है, कभी लो होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, उम्र बताइए भाई। उम्र 50 ईयर। 50 साल। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बीपी और ये उम्र 50 प्लस 45 प्लस, यहाँ पर ये सारी समस्याएं सभी लोगों के साथ आने लगी हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसके लिए एक नुस्खा है और वो बड़ा कारगर है, लेकिन आपको खुद बनाना है। आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखें, वैसे तो आसान है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। देखिए लीबू, लीबू अच्छा वाला, ये जो आप लेते हैं ना पीला पीला कागजी नींबू जिसे कहते हैं, कागजी नींबू 1 लीटर जूस निकालिए, अदरक का 1 लीटर जूस निकालिए, लहसुन का 1 लीटर जूस निकालिए और जैतून का सिरका 1 लीटर खरीदिए, अच्छा किस्म का बाहर का जैतून का सिरका, ऑलिव विनेगर, जैतून का सिरका, इन सबको मिक्स कर दीजिए 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को सोते वक्त, खाने के बाद पानी से आप ले सकते हैं। ये 4 लीटर की जो क्वांटिटी है, ख़त्म होते होते आपकी तबीयत कंट्रोल में आना मुमकिन है। हकीम साहब इनके लिए कोई दवाई? इस मुतालिक एक दवा भी आती है जो ख़ास इसी के लिए होती है, सिरप एच केयर, जो लोग झंझट से बचते हैं बनाने के, तो सिरप एच केयर 3-3 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अभय शर्मा बोल रहा हूँ, मैं राजस्थान दौसा से। जी अभय सवाल कीजिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी के क्या है, घुटनों में प्रॉब्लम है।
ठीक है, उनको चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी रहती है। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? उम्र मैम 60 वर्ष। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, बहुत दिन से तकलीफ होगी, जब एक बेटा बाप के लिए फ़ोन कर रहा है ना तो काफ़ी परेशानी की बात करते हैं, तो आप एक बात का ख्याल रखें कि जो दवाएं आप खिला रहे हैं वो खिला सकते हैं, और वक्ती फ़ायदे के लिए बहुत सारी दवाइयां मार्केट में हैं, आप भी जानते हैं, पिताजी भी जानते हैं, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदे के लिए आपको एक वो बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल, और लेकिन ये असली लेना, गोंद आता है एक, जैसे गोंद आते हैं ना सारे, बादाम का गोंद, कतीरा और कीकर का गोंद और हींग का गोंद, हींग भी एक गोंद है, ये सब गोंद होते हैं, गोंद बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें एक गोंद होता है बड़ा कड़वा जिसे कहते हैं काला गोंद, काला गोंद या गोंद सिया, ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बना लें, और चाहें तो चने के बराबर इसकी गोलियाँ या मटर की बराबर बना लें, या दो चुटकी रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद, दो चुटकी रात को खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसा आपके हालात हो, अगर आप रईस आदमी हैं तो जूस से भी ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं तो चर्बी वाला दूध नहीं हो, और ये आप उन्हें शुरू करा दिए, वरना पानी भी बेहतर है, गर्म पानी पिलाया करें अपने डैडी को, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपके पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, गुड्डू ढोलपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार वैद्य जी। जी आदाब आदाब भाई, बताइए। हाँ सर, आज से करीब 2 साल पहले एक सीने में हल्की सी एक मस्सा सा हो गया था, अब वो क्या है कि धीरे 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 थोड़ा सा उसने आकार सा ले लिया है, तो गांठ सी बन गई है वो। अच्छा तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है, केवल वे गांठ सी बन गई है। अच्छा बाहर को जाहिर होती है या अंदर की तरफ है, गोश्त के अंदर, गोश्त खाल पर है, स्किन पर है? हाँ खाल पर है, स्किन पर हल्की सी दिखाई देती है। ठीक है ठीक है। अच्छा इसकी फिक्र मत करिए, ये डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जितने भी लोग हैं हेल्दी किस्म के उनके होते हैं, लेकिन पेट में होते हैं, किसी किसी के सीने पर भी आ जाता है, तो उसकी बिल्कुल परवाह मत करिए और उसका कुछ वो भी मत करिए इलाज। एक घरेलू इलाज ऐसा कर सकते हैं कि आप हल्दी का सरसों के तेल में एक लेप सा बना के रोज़ाना उस पर रख के, और कोई मोटी सी रोटी ज़रा सी बना के जो गर्म सी रहे, गरम गरम रख यहाँ पर रख के रोज़ाना रात को सो जाया करें, और सुबह को उसको रिमूव कर दें, ऐसा करने से भी ये गांठ ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है सरताज मुरादाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी बताइए। मुरादाबाद जी, मुरादाबाद से बोल रहे हैं जी। जी जी बताइए। हमारी हमारी पत्नी है जी, हम हमारी एज मेरी एज 60 साल है, उनकी 55 साल है, उनके पेट में साफ सुस्ती रहती है, और जो है वो सदा फ्रेश ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, और ऊपर चढ़ती है जब छत पे तो उन्हें सांस की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। हाँ इस उम्र में हमें पेट की समस्या भी आती है और सांस फूलने की भी समस्या आती है, और बहुत ज़्यादा बीमारियों के लिए एक दवा बड़ी अच्छी है, वो है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका 4 महीने लगातार पिलाइए उन्हें, 3-4 चम्मच रात को पिला दिया करिए, या 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, पानी में मिला के पिलाइए, ज़रा तेज़ होता है, 1 गिलास पानी में 2 छोटे चाय के चम्मच पिलाया करिए, उनके पेट की समस्या भी ठीक होना मुमकिन है और उनके सांस फूलने की समस्या भी ठीक हो सकती है। एनिमल फैट का परहेज करें और 5 बार उनको गर्म पानी, खूब गर्म पानी जितना वो पी सकती हो, चाय की तरह जैसे चुस्कियाँ लेके पीते, 5 गिलास पिलाया करिए। अगर आप भी शुरू करेंगे, अगर आज से शुरू करेंगे तो आज से ही फ़ायदा होना शुरू होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं उपासना दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है उपासना आपका।
जी बोलिए। नमस्कार जी, जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, 40 साल की उम्र है उनकी, उनका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता, गैस की ट्रबल है और पेट जैसे अफरा अफरा सा रहता है, डाइजेस्टिव पेट जैसे खाना हजम हो जाता है वो नहीं होता, उससे उनको सांस की भी दिक्कत रहती है, तो आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा नुस्खा, जो ये 40-45 साल के लोगों को ये परेशानी शुरू हो जाती है, जिसको भी हो वो ले सकता है। देखिए सारी चीज़ें आपके घर में, एक चीज़ शायद बाहर से लानी पड़ेगी, धनिया। धनिया आप पिसा हुआ नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं लेंगे आप, धनिया सौंफ ज़ीरा, धनिया सौंफ ज़ीरा अजवाइन और सौंठ, धनिया सौंफ ज़ीरा सौंठ अजवाइन, ज़ीरा मैंने बता दिया, ये सब लीजिए 100-100 ग्राम, और 100 ग्राम आपको लेना है नमक कलौंजी। नमक कलौंजी, ये कलौंजी का एस्टेक को कहते हैं, नमक कलौंजी आसान ज़बान में हम कहते हैं नमक कलौंजी कहिए या एस्टेक कलौंजी, इन सबको 100-100 ग्राम मिक्स करिए। लेकिन बाहर से जो आप लें, धनिया भी लें तो घर में ही पीसें, बाहर से पीसे में मिलावट बहुत आती है। अगर आपने ये अमल किया तो पहले दिन से ही आपके पति को फ़ायदा शुरू हो जाएगा। जिसको भी पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज़ या और बहुत सी बीमारियां जैसे बवासीर और पेशाब की कोई परेशानी, इन सब के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। एक चम्मच यानी 3-4 ग्राम, एक चम्मच छोटा चाय का चम्मच, एक बार दिन में या दो बार, खाने से पहले या खाने के बाद पानी के साथ खिलाना है। और आपके पति को 5 बार गर्म पानी पेश कीजिए कि 5 बार गर्म पानी पिए, ऐसा गर्म कि थोड़ा सा गर्म लगे, चाय से थोड़ा कम गर्म और दूध से थोड़ा ज़्यादा गर्म। बिल्कुल, जैसे कि हकीम साहब आप ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलना बहुत ही मुश्किल होती हैं और दर्शक क्या होते हैं वो असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये दर्शक आपकी कंपनी से भी ले सकते हैं? देखिए हमारी कंपनी से लेंगे तो उन्हें वेट करना पड़ सकता है जी, हमारे पास बहुत ऑर्डर भी होते हैं, हमारे पास असली चीज़ होती है, जब तक असली चीज़ नहीं होती हम किसी को देते नहीं। ठीक है, तो अक्सर फिर वो शिकायत ना करें कि 15 दिन हो गए या 10 दिन हो गए अभी तक नहीं भेजा। वैसे तो सारी चीज़ें हम घरेलू ही बताते हैं किचन की, लेकिन अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो असली चीज़ों का ही हमारा कारोबार है। चलिए, तो अगर आप हमारी कंपनी से रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ से जो रॉ मटेरियल भेजा जाता है वो बिल्कुल असली होता है, जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाता है। बाकी आपको देसी नुस्खे लगातार यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ हेलो, हकीम साहब से बात करना है भाई। जी जी, आदाब, बताइए क्या सेवा है? अरे हमको, मेरा गला जल रहा था। हेलो, बोलिए, आगे बोलिए। हाँ हकीम साहब, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, सीधा सवाल कीजिए, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं ताराचंद गुप्ता बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल कीजिए। गुप्ता जी आदाब, अपना पूरी बात कह दीजिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। मेरा गला जल रहा था ना, तो मैं सौंफ, महीन वाला सौंफ, अजवाइन, काला नमक और खाने वाला सोडा और जीरा और सोच लेकर के हम खाया हूँ, तो मतलब उससे हमारा ठीक है। अरे बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और कोई सवाल है आपका? आपने जहमत की इतनी। हाँ देखिए, मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ वो फायदे के लिए बताता हूँ, हो सकता है किसी एक आध आदमी को फायदा ना हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें फीडबैक दिया, हमें बड़ी इससे तकवियत मिलती है, हमें बहुत
अच्छा लगता है अगर कोई फीडबैक देता है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सभी से निवेदन करना चाहूंगे, अनुरोध करना चाहूंगे कि आप लोग इस कीमती वक्त को समझिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स होते हैं लाइन में, उन्हें भी हकीम साहब से बात करनी होती है, तो जिनका भी कॉल यहाँ पे लग जाता है, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके और हकीम साहब की आवाज आप तक पहुंच सके।